आज अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पूरे देश भर में लॉकडाउन का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पूरे देश भर में ये भी मांग कर रहा है कि पूरे देश भर में केरल मॉडल लागू हो। केरल के अंदर जिस तरह से हेल्थ मॉडल लागू किया गया है, केरल के अंदर उस हेल्थ मॉडल से ही पूरे केरल को कोरोना से बचाया गया और वहाँ की स्थिति ठीक है। सरकार की लापरवाही और सत्ता पाने के लिए सरकार ने जो बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव कराया, अगर वो लेट से अगर इस चुनाव को टाल देता बिहार सरकार, तो निश्चित तौर पर कुछ जाने बचाई जा सकती थी। लेकिन सरकार को सिर्फ सत्ता पाना है, सरकार को सिर्फ चुनाव कराना है। हम इस सवाल पर कि तमाम लोगों को वैक्सीन मिले और फ्री में मिले, इस सवाल पर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस सवाल पर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने जो 33 करोड़ से अधिक हर जिलों को पैसे आवंटित कराए हैं साबुन सैनिटाइजर मास्क के लिए, वो तमाम तरह के पैसे को सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है, प्रतिनिधियों के द्वारा दबाया जा रहा है और अविलंब इसे गांव में खर्च करें ताकि कुछ जानों को बचाई जा सके, कुछ हद तक कुछ लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी सरकार का पोल हम लोग गाँव गाँव जाकर खोलने का काम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की। अमीन हमजा, राज्य अध्यक्ष AISF बिहार। प्रशासन से सीधा हम मांग करते हैं कि तमाम हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कराएं और वैक्सीन फ्री में तमाम लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे जब तक तमाम लोगों को वेंटिलेटर और वैक्सीन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है।